तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये दो पार्ट में है, और ये वीडियो देखने के बाद आपका स्कोर अगर 80 आ रहा हो, 60 आ रहा हो, 100 आ रहा हो, 90 आ रहा हो, 110, 120 जितना भी आ रहा हूँ, इन वीडियो को देखने के बाद जो बताई हुई चीज़ें हैं इसमें, अगर उसको आपने थोड़ा भी फॉलो कर लिया, अच्छे से मेहनत कर ली जो बता रहा हूँ मैं, आपका हर मॉक में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा मार्क्स में, और उसी के साथ साथ जो आपका टारगेट स्कोर है फाइनल सेलेक्शन के लिए आपने जो टारगेट स्कोर बनाया है उससे ज़्यादा भी स्कोर करने लगोगे एग्जाम डेट तक की। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा आपको तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का मतलब इतना डिटेल एनालिसिस करके वीडियो लेके आया हूँ, जो बताऊंगा हर उस प्रॉब्लम से आप फिक्स मतलब कर लोगे अपनी प्रॉब्लम, जिस भी सब्जेक्ट में आ रही हो, जिस भी टॉपिक में आ रही हो। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, दो पार्ट में, और तीसरी वीडियो एक और आएगी जीके जीएस को लेके, तो मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, जो आपका मार्क्स कितना भी आ रहा हो, भले आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आप मॉक में अटैम्प्ट देते हो तो क्वेश्चंस वहां गलत हो जा रहे हैं, बट बाद में देखते हो क्वेश्चन अच्छा लेकिन वहां पे सॉल्व हो जा रहा है, उसके साथ साथ टीचर के लेक्चर देख रहे हो वहां पे भी क्वेश्चन आप बना ले रहे हो लेकिन जब मॉक में दे रहे हो तो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, ठीक। अब इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आपने प्रैक्टिस भी कर ली, उसका टॉपिक्स को अच्छे से कवर भी कर लिया, दो तीन टीचर से भी कर लिया, लेकिन जब आप मॉक्स में देने जा रहे हो इतना टाइम ले रहे हो, उसके बाद कभी कभार तो आंसर ही नहीं निकल रहा, लॉजिक ही नहीं पता चल रहा कि यार इसमें लगा क्या है, लेकिन जब मॉक खत्म हो जा रहा बाद में देख रहे हो यार इतना ईजी था लेकिन उस टाइम क्लिक ही नहीं हो रहा था माइंड में, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब इंग्लिश में आपने चाहे वो क्लोज टेस्ट पे जितना अच्छे से वर्क कर लिया हो, पैसेज पे कर लिया हो, फिलर्स वगैरह पे कर लिया हो, लेकिन उसके बाद पीपीआरएस वगैरह पे करने के बाद भी ऐसे अगर आप बना रहे हो टीचर की वीडियोस के में देख देख के या फिर ऐसे, तो आपसे बन जा रहे हैं लेकिन जब मॉक में दे रहे हो तो नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, उसी के साथ रीजनिंग भी इसी में मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से रीजनिंग के टॉपिक्स में आ रही हूँ, और जीके जीएस की बात में करेंगे बात, इन सारी प्रॉब्लम्स का वीडियो में आपको मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। और इसी के साथ एक बात और बोलना चाहूँगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जिनका मॉक्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा है आखिर वो कर क्या रहे हैं। देखिए आपको लग रहा है कि अगर आपका मार्क्स 80 आ रहा है, 60 आ रहा है, 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, तो आप अब जीके जीएस पे वर्क करोगे, जीके जीएस पे करने के बाद आपका मार्क्स एक फाइनल स्कोर जो कट ऑफ क्लियर होता है वहां तक पहुंच जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये क्लियर मैं करना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले जो जिसे आपके सिलेबस का स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है उस पे वर्क करना होता है, अपना 110% देना होता है, वहां से पूरा आउटपुट निकालना भी होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ, ये चीज़ आप भी जानते हो कि रीजनिंग और इंग्लिश को अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है तो ये क्यों बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने न्यूमेरिकल ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन पे वर्क किया तो आपको पता है प्रीवियस ईयर भी 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, इस बार भी देखने को मिलेंगे जिसमें उन्हें साइंस चेंज करना था, डिवाइड की जगह ये कर दो, प्लस जगह माइनस, या सिंप्लीफिकेशन वाला रूल फॉलो करते हुए जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आपको पता है। तो आपने टॉपिक पे वर्क किया, उसका कंसेप्ट क्लियर किया, कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया था, उस पर प्रैक्टिस की, और वो आपको मॉक में भी देखने को मिलेगा और एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका सिलेबस का पार्ट है। और प्रीवियस ईयर में तो भर भर के क्वेश्चन आए थे तो उस पैटर्न को एसएससी फॉलो करेगी प्रीवियस ईयर के पैटर्न को, तो आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये होता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट, कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा किसी सब्जेक्ट का तो वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एनालॉगी आपने वर्क किया तो आपको ये श्योरिटी, आज मैं इतना जितना मेहनत कर रहा हूं इस पे, मैं 3-3 घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर्स देख रहा हूं या फिर उसे प्रैक्टिस कर रहा हूं 4-4 घंटे या डेली कर रहा हूं, तो मुझे वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ मॉक में भी देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न को भी देखें एसएससी स्टेनोग्राफर में तो वहां पे भी देखने को मिले थे भर भर के मतलब 5-6 क्वेश्चंस, तो ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसी तरह से इंग्लिश में अब आपको पता है कि आपके नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 9 से 10 क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखने को मिलते हैं, ठीक। इसको आपको कवर करने के लिए आपको थोड़े कुछ टॉपिक्स की ज़रूरत होती है टेंस वर्ब वगैरह की, अगर उसमें आपने अच्छे से वर्क किया तो आपको वर्ब टेंस वगैरह के भी एरर्स देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ ये एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब 10-10 मार्क्स ही, तो अगर आपने इस पर मेहनत की तो वो एग्जाम में देखने को मिलेगा, मॉक में भी देखने को मिल रहा है, और जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पैटर्न था उसको भी अगर फॉलो करेगा तो वहाँ पर भी क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक से, इसलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपका स्कोर जब नहीं बढ़ रहा हो तो सबसे पहले इन दो सब्जेक्ट पे अच्छे से वर्क करना है, इंग्लिश और रीजनिंग, सबसे ज़्यादा इस पे वर्क करो, अपना मैक्स जितना ले जाते हो, 150 मार्क्स का जो वेटेज है इसमें अपना मैक्स खींच के जितना भी ले जा सकते हो, 120, 125, 130, 135 जितना और भी आराम से जा सकता है, ठीक है। अगर 135 तो आराम से जा सकता है क्योंकि रीजनिंग में अगर आप इंग्लिश में चाहो तो 90 मार्क्स के आसपास आराम से आ सकते हो, और रीजनिंग में तो 50 नहीं अगर 50 ला रहे हो, 2-3 टॉपिक छोड़ भी दिए आपने, जैसे आपको कैलेंडर में प्रॉब्लम्स हो रही है या क्यूब में हो रही है तो आपने कुछ छोड़ते हुए भी आप क्लियर 15 मार्क्स आपने छोड़ दिए इन 150 में से, तब भी 135 पहुंच जाओगे।
अब आपके दिमाग में टेंशन भी नहीं लेनी कुछ टॉपिक्स को लेके, जिसपे आप जितना एफर्ट कर रहे हो आउटपुट भी नहीं निकल रहा है, आप बहुत मेहनत करो बट वो टॉपिक नहीं क्लियर हो पा रहा, प्रॉब्लम आ रही है, आपने देखा 2 मार्क्स का वेटेज एग्जाम में छोड़ दे रहे हैं, ठीक मुझे पूरे में से पूरे नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन जो 150 मार्क्स का वेटेज है इंग्लिश और रीजनिंग का, इसमें मेरे 15 मार्क्स भी मैं छोड़ देना, चलो 20 भी छोड़ देना, 130 तो इनमें से ला सकते हैं, ये आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए, ये आपका टारगेटेड स्कोर होना चाहिए कि इन दो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर वर्क कर लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, टॉपिक्स वाइज मिक्स, उसके बाद मेरे इतने मार्क्स तो एक पूरा बेस मार्क्स मेरे बन जाएंगे, इससे नीचे तो मेरे आएंगे नहीं, फ्लैक्चुएट भी होगा तो 2-3 मार्क्स का होगा तो गिरेगा भी, तो 125-125 तो आराम से आप खाली यहीं से आ जा रहो, उसके बाद जीके जीएस का प्लान आता है, मतलब 130 से तो नीचे आना ही नहीं, 125 मतलब बहुत वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, 130 तो यहाँ से आपका एक पूरा फिक्स मार्क्स होना चाहिए, इससे नीचे नहीं, बाकी भी जीके जीएस का जो वर्क होता है वो करने का तरीका होता है, उस पर मैं डिटेल वीडियोज़ बनाऊंगा, जो आप दुनिया भर के चैनल्स की वीडियोज़, उनकी फ्री प्लेलिस्ट या उनकी प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ देखोगे उसमें आपका टाइम भी बहुत जाएगा, और उसके बाद जो आप मैराथन या वीडियोज़ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की देखोगे उसके अंदर का जो कंटेंट है डाटा है उसको आप याद भी नहीं कर पाओगे, मल्टीपल रिविजन चाहिए होता है ठीक है, किसी चीज़ को याद करने के लिए, आप वीडियो देख लोगे मात्र यकीन ना मारिएगा, दूसरे तीसरे दिन आप रिकॉल करने की कोशिश करना उन जो कंटेंट आपने पढ़ा है जीके जीएस का, आप याद ही नहीं कर पाओगे भले जितने अच्छे से आपने पढ़ा हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को याद करने के लिए, चाहे वो वोकैब में हो चाहे वो जीके जीएस के। दोस्तों अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट वगैरह परचेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि टेस्ट बुक आपके लेके आया सिलेक्शन सीजन सेल, और ये सेल चलेगी 14 से 15 अक्टूबर के बीच, तो इस दौरान अगर आप मॉक टेस्ट खरीदोगे तो इसका जो प्राइस होगा ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो का वो 439 होगा, लेकिन इसमें अगर आप BASP कैपिटल लेटर में कूपन कोड यूज़ करोगे तो 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और इसको अगर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड लगाना मत भूलना BASP, तो ज़रूर खरीद लेना वरना फिर ये सेल खत्म होते है, इसका प्राइस फिर से 600 प्लस हो जाएगा लेके हो, तो ये चीज़ें क्लियर होती है जीके जीएस में, और ये भी है कि अगर आप अच्छे से वर्क करने बैठोगे तो सिलेबस इतना बड़ा है कि कर नहीं पाओगे, सेलेक्टिव चीज़ें उठाने बैठोगे तब भी इतनी चीज़ें डिटेल में आपको करनी पड़ेंगी कि आपको टाइम अच्छा खासा लग जाएगा, और आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है जो एक तरीके से 50-55 दिन का है, इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रिविज़न भी करना है, और अच्छे से अपने मॉक एनालिसिस भी करनी, मॉक्स अटेम्प्ट भी करने हैं, और अपने आप को काम भी रखना है कि लाइक जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे उससे डील करें, तो मेरी हर उस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है अगर आपका मार्क्स 100, 110, 120 या फिर 90-80 के आसपास आ रहा है यहाँ, तो आप अभी जीके जीएस पे ध्यान मत दो, अभी आपके पास जो 10-15 दिन बचे हैं इस मंथ के अक्टूबर के, इस पे आप जितना कोशिश करो अपने इन स्कोरिंग सब्जेक्ट पे वर्क करने के, इन्हें उठाने के ऊपर, अगर इसमें आपने अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लिया, आपके किसी भी टॉपिक में आ रहे हो, इंग्लिश के, वोकैब, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, किसी में भी आ रही हो, उस पे अच्छे से वर्क करो, और ये गलती बिल्कुल भी मत करना है कि अगर आपका कोई वीक टॉपिक आपने फाइंड कर लिया एनालिसिस करके और उस पर वर्क करने आप पूरी तरीके से अच्छे से स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे उन पर आपने ध्यान कम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर प्रैक्टिस उस पर और रिविजन नहीं होगा तो वो उसका लेवल नीचे होता जाएगा, इसको उठाने का भी कोई फायदा नहीं उधर, तो आपको सब चीज़ें बैलेंस करके चलनी है, अगर आपका क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही तो ग्रामर और वोकैब का आपका डेली रिविजन प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, लेकिन क्लोज टेस्ट पर आपको थोड़ा अच्छे से ज़्यादा से वर्क करना है इस तरीके से, वैसे ही आपका रीजनिंग पे अगर कोई टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा हो उस पे आपको एक सेलेक्टेड टाइम अपने दिन का वो देना उस टॉपिक पे, और सारे टॉपिक्स हैं उनकी मिक्स प्रैक्टिस करके चलनी है, इस तरह से बैलेंस होके अपनी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस और रिविजन्स और अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे डील किया जाता है, उन प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जाता है, ये इंप्रूवमेंट तभी आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों मैं एक तरीके से आपको पहले ये बता दे रहा हूँ इस वीडियो में कि जो आप सारे प्रॉब्लम्स भी एक साथ वर्क करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, ना कोई भी प्रॉब्लम फिक्स हो पाएंगी, और ना ही जो आप जितना अपना 110% दे रहे हो तो उन सब किसी एक टॉपिक पे भी आपका 50% या 100% पूरा वर्क आप कर पाओगे और उसका आउटपुट निकल पाएगा, वो दे ही नहीं पाओगे जब सारी प्रॉब्लम्स एक साथ लेके चलोगे। तो सबसे पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना, जो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो सबसे ज़्यादा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है 150 इंग्लिश रीजनिंग, इसको किनारे कर लिया, इस पर वर्क कर लिया, इस पर जितना ज़्यादा उठा सकते हो मार्क्स को उसको कर लिया, और जीके जीएस को अभी कर लेना है, लास्ट 30 डेज में भी करना चाहोगे, सेलेक्टिव टॉपिक्स वो भी कर लोगे, क्योंकि जीके जीएस फिर बता रहा हूँ आप मेहनत करने बैठ भी रहो, चीज़ें याद भी नहीं होंगी, भूल भी जा रहे होगे, बार बार रिविजन की जरूरत होगी, उसके बाद ये भी कोई छोटी नहीं है कि अगर आपने जो क्वेश्चन पे टॉपिक पे वर्क किया, अगर आपने ज्योग्राफी पे वर्क किया तो ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स पे आपने वर्क किया वहां से क्वेश्चन आपको मॉक एग्जाम में देखने को मिल जाए,
ठीक है। तो इस तरीके की इसमें बिल्कुल एक श्योरिटी नहीं रहती है, इसलिए जहाँ से पूरा आउटपुट कन्फर्म हो निकलने का उन पर मेहनत करना चाहिए स्कोरिंग सब्जेक्ट को। ये आपने पहली चीज़ क्लियर कर ली। इस वीडियो में मैंने ये बता दिया, वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, तो इसका पार्ट टू जो आएगा उसमें मैं जी के जी एस के बारे में बताऊँगा कि जी के जी एस को कम टाइम में कैसे उठाना है, कैसी चीज़ें क्लियर करनी है। और दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो पार्ट टू आएगा इस वीडियो का, ये आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद नहीं मिलेगा, बैक टू बैक मिलेगा, ताकि आप चीज़ें क्लियर कर लो और जब भी आपको ज़रूरत हो आगे का प्रोसेस, अगर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट अच्छा है तो जीके जीएस खाली प्रॉब्लम कर दे, जीके जीएस भी तुरंत देख सको। ये चीज़ें क्लियर करते हुए मैं आपको डिटेल वाइज तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जीके जीएस की वीडियोज़ भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। मैं वर्बली चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ डिटेल में, वो सब लिख के या डिजिटल बोर्ड पर नहीं, लेकिन हर स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करता है वो मेरी बातों से रिलेट कर